गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस अबाउट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बहुत या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। इसे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, डिस्क्रिप्टिव कह लो आप या MCQ कह लो, ठीक है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, नाम से ही आपको पता है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, या टू टाइप्स नहीं, अकॉर्डिंग टू हाँ क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो कि टू टाइप्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, या कह सकते हो कि 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। इस 23 पेयर्स में, ठीक है, ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम में जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं, मेल या फीमेल में क्या होते हैं, ये ऑटोसोम जो होते हैं 22 पेयर जो होते हैं वो सेम होते हैं। जो एक पेयर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या इसको सेक्स या उसको ये कह सकते हैं हेटरोसोम भी कहते हैं, ठीक है, या एलोसोम भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं, मेल में एक्स वाई हो जाते हैं और फीमेल में ये एक्स एक्स होते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम, इन्हीं पे हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है, और इसी पे हम लोग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी सेक्स क्रोमोसोम पे हम लोग करेंगे, ठीक है, स्टडी हम लोग को करना है कि क्या है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब देखिए, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो ये सेक्स क्रोमोसोम थे, इन पर जो जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक्स वाई पे जो हैं, जो वन पेयर हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं वो जो होते हैं आपके उस पे पाए वाले जीन को हम लोग सेक्स लिंक जीन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस रिफर टू कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस बाय द जीन कैरिड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि इसी सेक्स क्रोमोसोम की मैं बात कर रही थी, ठीक। तो जो सेक्स क्रोमोसोम था, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम थे, इन सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन थे, ठीक है, जो जीन थे, उन जीन को क्या, सेक्स क्रोमोसोम पे क्या होते हैं जीन थे, हर क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात सेक्स क्रोमोसोम की हो रही है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उनको सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं, और इनके इनहेरिटेंस को, मतलब इनहेरिटेंस का मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन होते हैं। तो वो जीन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास आउट होते हैं उनको इनहेरिटेंस कहते हैं। कि इसका मतलब यह है कि सेक्स जो क्रोमोसोम पे है उस पर प्रेजेंट जीन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का ट्रांसफर होना ही सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक। पहली बात कि जो क्रोमोसोम होते हैं उस पर जीन्स होते हैं, सबको पता है, और जीन जो होता है वो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी पता है आपको, ठीक है। और जो ऑटोसोम अभी मैंने बताया था, ऑटोसोम 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, उस 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स पे, मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और उन पे जो जीन्स होते हैं उनको ऑटोसोम जीन्स कहते हैं, ठीक है, और उनके इनहेरिटेंस को ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो सेक्स क्रोमोसोम है, तो सेक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और जो इस पे, इस सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं, और इसी सेक्स लिंक्ड जीन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास आउट होने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं,
ठीक है, क्लियर। चलिए अब अभी और आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो और डिटेल से हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सेक्स जीन इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन, और इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं, और इस इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही सेक्स लिंक इनहेरिटेंस हम लोग को स्टडी करना है। जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है, और मॉर्गन जी ने ही लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के बाद आप जानते हैं उसको भी स्टडी किया था। अब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होता है कितने टाइप का, ठीक, अभी मैंने वहीं पे बताया एक्स वाई, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम जो एक्स होते हैं, क्योंकि सेक्स होते हैं क्योंकि फीमेल में केवल एक्स एक्स ही होता है, ठीक, वाई होते हैं, ठीक है, या तो वाई क्रोमोसोम पे होंगे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, वाई लिंक इनहेरिटेंस एंड एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस, तीन टाइप के आपके कह सकते हो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होते हैं। सेम वही डिफिनेशन यहाँ भी है कि एक्स लिंक इनहेरिटेंस विच जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, कॉल्ड एक्स लिंक्ड जीन, इट्स इनहेरिटेंस कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होता है उसको एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं और इसके इनहेरिटेंस को सेक्स एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी तरीके से आपका वाई क्रोमोसोम पे वाई लिंक्ड जीन, तो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जो जीन होता है उसको वाई लिंक्ड जीन कहते हैं, उसके इनहेरिटेंस को वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। बात सेम है। बात आ जाती है एक्स वाई की, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस बात थोड़ा सी समझने वाली है इसलिए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि ये कौन सा जीन है, ये एक्स है और ये वाई है। देखिए अभी तक जब मैं बता रही थी तभी मैंने बताया था कि ऑटोसोम जो होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम जो होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, इसीलिए 22 पेयर्स किया, लेकिन जो 23rd पेयर्स होता है इन केस ऑफ मेल, ठीक, फीमेल में तो एक्सेस होते हैं उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, और एक्स वाई होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है, इन नॉन होमोलॉगस होते हैं, ठीक। ऐसे ही देख रहे हैं, एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, एक वेटेड है, एक लेस वेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इनका ऊपर रीजन होता है उसको पार रीजन कहते हैं, इसके बारे में हम आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक है, और ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे रीजन समवाट बहुत टिल कुछ ऐसे रीजन होते हैं या पोर्शन होते हैं, वो जीन वो पोर्शन जो होता है वो वाई और एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है, सेम होता है, कुछ पोर्शन, उस पोर्शन को बोलते हैं होमो लॉगस पार्ट, ठीक है, होमोलॉगस पार्ट, ठीक है। और ये इस पे और इस पे जो इस पे प्रेजेंट जो जीन होते हैं, ठीक है, इस जीन को इस जो कुछ ऐसे जीन जो कि एक्स पे भी हैं और वाई पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, ठीक है, जब इस जीन को क्या कहेंगे, इसको एक्स वाई लिंक्ड जीन कहेंगे, ठीक है, और इसके इनहेरिटेंस को एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे, क्लियर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम था, ठीक है, ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस था, यहाँ पे वाई वाई पे था, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन केवल मेल में ही ट्रांसफर होता है, मेल टू मेल होता है, क्या कहते हैं इसका ट्रांसफर क्या होता है, ये आपका मेल टू मेल होता है, फीमेल में नहीं होता है, और ऐसी जीन को हम लोग होलैंड्रिक जीन कहते हैं, ठीक। और क्योंकि ये जो जीन होता है, क्योंकि ये जीन जो वाई क्रोमोसोम पे जीन होते हैं वो केवल मेल में ही जाते हैं, फीमेल में जाते ही नहीं, आपको पता है कभी किसी, जैसे एक होता है कि जैसे कान में जो बाल होते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलते हैं आपका वाई लिंक्ड जीन है, ठीक है, और वो जो वाई लिंक्ड जीन होता है, ठीक है, वो जो कान कभी किसी फीमेल में आपने नहीं देखा, वो जीन जो कान पे पाए जाते हैं उनको
हम लोग कह रहे हैं होलोट्रैकिया, नहीं हाइपोट्राइकोसिस बोलते हैं। हाइपोट्राइकोसिस जो होता है, जो कान पे बाल होते हैं उनको हाइपोट्राइकोसिस कहते हैं, और इसकी जीन जो होता है वो वाई क्रोमोसोम पे होता है। इसलिए जितने भी, जैसे मान लीजिए हाइपोट्राइकोसिस के लिए, जैसे आपके आपके किसी के भी अगर ग्रैंडफादर में है तो उसके सन में होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पापा का हुआ, हमारे दादाजी में रहा तो हमारे पापा में, और अगर हमारे पापा में है तो हमारे आगे वाली जनरेशन में जाएगी, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जो जीन होता है वो उसके कैरेक्टर निश्चित सो होते हैं, और वो केवल मेल टू मेल ट्रांसफ़र होते हैं, और जो ऐसी जीन जो मेल टू मेल ट्रांसफ़र होते हैं उसको होलेंट्रिक जीन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एक्स वाई लिंक, यानी कि ऐसे जीन जो एक्स पे भी हो और वाई पे भी हो और उनका ट्रांसफ़र होता हो तो एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं, गुड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब पहला हम इसमें एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे, और पहला हम स्टडी करेंगे अपना एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। एक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है, वही जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होगा उसको एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे, और इसके इनहेरिटेंस को एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है वो टू टाइप के होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर डिजीज या कोई डिसऑर्डर कॉज हो रहा है किसी पर्सन में, तो जो जीन होगी वो डोमिनेंट जीन के प्रेजेंट होने के कारण ही उसके अंदर ये डिसऑर्डर आ रहा है। सपोज जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, तो फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और मान लीजिए कोई एक्स पे प्रेजेंट कोई जीन है, मान लीजिए जीन ए है, कोई जीन ए है, और अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी तभी उसके अंदर वो डिजीज कॉज करेगा। तो ये यहाँ पे ए भी हो सकता है और ए होगा, ठीक। या ये भी हो सकता है कि एक्स पे ए और एक पे रिसेसिव हो, उस कंडीशन में भी ये क्या करेगी, डिजीज कॉज करेगी, ठीक। लेकिन यदि डोमिनेंट केस में, यदि ये फीमेल के, हम मेल के केस में कहते हैं, तो एक्स और वाई होता है मेल में, तो मेल में केवल एक्स पे ही एक ही डोमिनेंट जीन के प्रेजेंट होने के बावजूद वो केवल एक ही जीन होगा, तब भी जो मेल में के अंदर वो डिसऑर्डर या वो डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक। फीमेल के लिए दोनों, फीमेल में यदि एक है तो नहीं, ठीक है, अगर एक है तो भी, और एक नहीं है तो, यानी कि केवल डोमिनेंट जीन का प्रेजेंट होना ही डिजीज कॉज करता है, ठीक। और जिसमें अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डिजीज है, तो यह डिजीज कॉज, इसके अंदर डिजीज रहता है लेकिन इसके अंदर दिखाई नहीं देता है, वो सिम्टम्स क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक। आगे हम लोग अब रिसेसिव की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इन केस ऑफ हम लोग एक्स लिंक रिसेसिव में, ठीक, यहाँ पे भी मेल है फीमेल है, तो फीमेल के पास जब ये रिसेसिव फॉर्म में रहेंगे, मान लीजिए इसी जीन का रिसेसिव, मतलब कोई भी जीन है, अगर ए ए है तो ये डिजीज कॉज करेगा, ठीक। अगर फीमेल में अगर एक्स एक्स है रिसेसिव के केस में, यहाँ पे डिजीज कॉज हो रहा था, यहाँ पे यदि एक्स ए है, ठीक है, और इस पे ये डोमिनेंट, मतलब इस पर कोई जीन नहीं, मतलब इस पर ए ही मान लीजिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, ये कैरियर का काम करेगी, ये क्या करेगी, कैरियर का काम करेगी, या नॉर्मल कह दीजिए, अगर वो एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है तो क्या करेगी, ये कैरियर का काम करेगी इन केस ऑफ फीमेल। लेकिन मेल में अगर कोई रिसेसिव है वाई, तो ये डिजीज कॉज करेगा, और अगर डोमिनेंट है तो भी डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। हीमो एक्स लिंक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों के दोनों रिसेसिव डिजीज हैं, मतलब कि जब ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं ये जीन्स, तभी ये डिजीज कॉज करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हीमोफीलिया कंटेनिंग ये रिसेसिव जीन है, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है, और इसका अगर क्रॉस किसी नॉर्मल मेल के साथ करा दिया जाए, ठीक है, क्रॉस जो है नॉर्मल, ये नॉर्मल फीमेल्स मेल से करा दिया जाए तो क्या होगा, देखिए ये एक्स हीमोफीलिया, एक्स हीमोफीलिया क्रॉस कराया, एक्स वाई क्रॉस कराया, एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, यानी कि जो मेल प्रेजेंट होगा, जो मेल होगा वो हीमोफीलिया फीलिया डिजीज से होगा, ये भी क्या होगा हीमोफीलिया, लेकिन जो फीमेल होगी, सॉरी ओ सॉरी सॉरी ये गड़बड़ लिखा गया, नहीं नहीं ठीक है, एच ये मेल नहीं है, सॉरी सॉरी ये फीमेल है, एसेक्स है ना, मैंने गलती से, ये है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये मेल है, ये मेल है, ठीक है, मेल है, ठीक, और ये जो है ये कैरियर फीमेल है, और ये भी कैरियर फीमेल है, वो मेल है ये फीमेल है, ठीक है। तो रिसेसिव कंडीशंस में क्या होते हैं, जो फीमेल होती है, ठीक है, अगर एक है, ठीक है, अगर दोनों दोनों एक्स पे यदि ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसमें डिजीज होगा, और अगर कोई एक ही क्रोमोसोम पे केवल रिसेसिव है तो ये कैरियर हो जाएगी, ये बिल्कुल नॉर्मल पर्सन जैसा बिहेव करेगी, लेकिन करेगी, ठीक है, हीमोफीलिया वाली कंडीशंस पे, ठीक, यहाँ पे एच भी कर सकते हो आप, हमने ये लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको समझाने के लिए। और अगर फीमेल मेल में अगर एक ही क्रोमोसोम पे अगर रिसेसिव भी है तो वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। आप लोग इसमें बहुत सारी केसेस हैं, आप इसको देख करके आप स्टडी और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बता दें एक चीज़ और आपको, कि अगर यहाँ पे इसको हटा दिया जाए और यहाँ पे कैरियर फीमेल ले लिया जाए, ये कैरियर फीमेल हो गई, ठीक है, कैरियर फीमेल के साथ अगर आप कराते हैं तो देखिए क्या होगा, ये एक्स वाई हो गया, ये कैरियर फीमेल ले लीजिए, बहुत सारे ये आप कैरियर फीमेल पे ले लीजिए, नॉर्मल मेल है, आप लोग भी घर पे कर लीजिएगा, ये एक हो गया, दूसरा ले लीजिए हीमोफीलिया कंटेनिंग एच है, वाई के साथ क्रॉस करा दिया कैरियर फीमेल के साथ, ये क्या है हीमोफीलिया, इसको आप लोग घर पे करिएगा, हीमोफीलिया है, ठीक है, मेल है, और ये कैरियर फीमेल है, ये सारे चीज़ें आप करिएगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा इसको करने में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका सेक्स लिंक, इसी तरीके से आपका कलर ब्लाइंडनेस का भी है, ठीक है। और इसको हम लोग एक चीज़ और बता दें, ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा, इसको रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, उनके फैमिली में था, रॉयल फैमिली में ये डिजीज़ सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई थी, इस वजह से इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हीमोफीलिया में जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग जो ब्लड की एक बहुत शॉर्ट छोटी भी इंजरी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, और ब्लड हमेशा क्या होता है, बॉडी से बाहर की तरफ एक्सक्रीट होता रहता है, निकलता रहता है, ठीक है। और इसमें इसमें जो होता है, जो हीमोफीलिया होता है वो आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इसमें थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक टाइप टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी होता है,
ई में जो होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर एट, क्लॉटिंग फैक्टर एट जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है नाइन एब्सेंट होता है, और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर इलेवन एब्सेंट होता है, ठीक। और ये बहुत ही कॉमन भी है, कॉमन है ये, और ये बहुत ही रेयर है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, इसका ज़्यादा मिलता है कि क्लॉटिंग फैक्टर आपका एट के एब्सेंट होने से हीमोफीलिया ज़्यादा कॉज होती है, और क्लॉटिंग ये इलेवन के एब्सेंट में बहुत कम इसकी केसेस को रिपोर्ट किया गया है। तो ये हमारा साइक्लिंग इनहेरिटेंस रहा, आप लोग डिटेल से पढ़िए, और अभी इसके एक और वीडियोस, कम से कम इसके दो वीडियोस और या एक वीडियोस और पढ़ेंगे, देखते हैं अगर ये दोनों समाप्त हो जाएगा तो एक ही में कर देंगे, ठीक है। एक वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके बाद इन दोनों के एक ही, मैंने कि एक वीडियोस और भी हमारे सेल्फ लिंक इनहेरिटेंस की पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग स्टडी करिए, मेरे लाइक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। थैंक यू।